अब आपको बताते हैं कुछ खास वजह जिससे अस्थमा बढ़ सकता है, और वो ये है, नंबर वन ओबेसिटी, खाने में परिवर्तन होने की वजह से। नंबर दो, बच्चे लगातार स्क्रीन देख रहे हैं बिना प्रोग्राम से इंटरेक्शन के। अब ये देखें कि अस्थमा के ट्रिगर्स या उकसाने वाली चीजें क्या है, वह आप देखेंगे। नंबर वन, वातावरण में एलर्जी की चीजें जैसे कि कंजल, पोलन, डस्ट माइट्स, पेट डैंडर या कॉकरोच का वेस्ट। नंबर दो, सांस की नली के इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड या आम सर्दी। नंबर तीन, एक्सरसाइज, लेकिन एक बात याद रखिए कि एक्सरसाइज एक अच्छी चीज है अस्थमा को रोकने के लिए। नंबर चार, ठंडी हवा, एक हवा का झोंका बारीक खिड़की में से आता हुआ। नंबर पांच, पॉल्यूशन, इसमें धुआं और कंस्ट्रक्शन से जो बारीक पार्टिकल्स आता है उससे नुकसानदेह है। नंबर छह, कुछ दवाइयां जैसे कि एस्पिरिन, ब्रूपेन, डिप्रोक्सन और बीटा ब्लॉकर्स। नंबर सात, स्ट्रेस या डिप्रेशन, इसलिए ये एग्जाम के वक्त ज्यादा दिखाई देता है, 40% केसेस में यही वजह होती है, इसलिए कई पेशेंट्स बाबा लोग से भी ठीक हो जाते हैं। नंबर आठ, सल्फाइड्स और प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि प्रोसेस्ड फूड्स। और आखिर में एसिडिटी या GERD, जिसमें एसिड ऊपर आता है पेट से गले में।